दिल्ली से अगले कॉलर हैं अजय हमारे साथ। स्वागत है अजय आपका। थैंक यू मैडम। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि मेरी आंखें ना लाल रहती हैं। मेरा केस ऐसा है कि मैं बचपन में एक दिन हाथ धो के सीधा आंखों में पानी में छींटे मारे तो वो साबुन थोड़ा ज्यादा रह गया। उस समय मुझे हो गई एलर्जी। उसके बाद काफी डॉक्टरों से इलाज करवाया, वो एलर्जी तो नहीं गई, कम हो जाती थी। फिर डॉक्टर साहब की एक प्रोग्राम में मैंने मुंडी भुट्टी नामक दवाई का सुना, वो भी मैंने ढूंढ ली, कहीं से जाके मिली। अब पिछले 4 साल से मैं खा रहा हूँ। फिर मुझे ये भी था कि डॉक्टर साहब ने ये भी बताया था, हकीम साहब ने, कि ज्यादा नहीं खाते। मैं साल में एक या दो ही खा रहा हूँ पिछले 4 साल से, और अभी भी मेरी आंखें लाल रहती हैं, और थोड़ी देर खुली रहे ना तो गर्म सी हो जाती हैं, फिर थोड़ी देर के लिए मुझे बंद करनी पड़ती हैं। मैंने गाजर का जूस भी पी लिया, गाजर भी काफी खा ली, फर्क काफी पड़ गया मेरे को। ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ा, बहुत फर्क पड़ा है। अगर हकीम साहब इसके ऊपर भी कोई और बताएं तो बहुत मेहरबानी होगी। और वैसे मेरे पास मुंडी बूटी दवाई अभी भी पड़ी है, वो मैं खा रहा हूँ, वो भी साल में एक बार, दो जो दाने होते हैं वो दो खा रहा हूँ। और यही मेरी प्रॉब्लम है कि आंखें की जोत कम है, गर्म हो जाती हैं, लाल रहती हैं, ये ही मेरी एक प्रॉब्लम ठीक है, है। आप अपनी अगर एज बता दीजिए। हाँ मेरी 50 जी। देखिए, एक शेर याद आ रहा है, किसी का आंखों पर बात हो रही है कि झील अच्छा है, झील अच्छा है, कंवल अच्छा है कि जाम अच्छा है, झील अच्छा है, कंवल अच्छा है कि जाम अच्छा है, तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। तो देखिए, आंखों का वाकई बहुत ख्याल रखना चाहिए, और आप इतने अच्छे व्यूवर्स हैं कि मेरे बताए हुए सभी नुस्खे आपने इस्तेमाल किए और कुछ से आपको फ़ायदा भी हुआ। तो मुंडी बूटी तो हर महीने दो खाया करिए, मैंने साल में कुछ लोगों को बताई थी, लेकिन आपकी समस्या ज़्यादा है तो हर महीने दो खाया करिए, ठीक है। और ये गाजर का जूस आप पीते रहिए रोज़ाना एक, और इसमें आपको डालना है गॉन मोरिंगा, गॉन मोरिंगा आधा ग्राम, वो भी असली वाला सफ़ेद गॉन मोरिंगा, सफ़ेद आता है, एक लाल लाल आता है वो नहीं लेना, गॉन मोरिंगा सफ़ेद आना, और रॉ मटेरियल लेना, पिसा पिसाया भी नहीं लेना, आधा ग्राम इसमें मिला के जब आप पिया करें। आपकी समस्या काफ़ी बड़ी है और देखने में छोटी लगती है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो बचा कुचा फ़ायदा रह गया उसका भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।